नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई के कांदिवली पूर्व लोखंडवाला परिसर में यह देखिए, विश्वास एनजीओ, अग्रवाल परिवार, कांदिवली और टाटा हॉस्पिटल के सहयोग से कैंसर पीड़ितों के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देर शाम तक 150 बैग से अधिक रक्त जमा करने का नेक कार्य सुरेश अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। सुरेश अग्रवाल अपने एनजीओ विश्वास के माध्यम से पिछले काफ़ी समय से इस तरह का सेवा भाव से कार्य करते आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कैंसर पीड़ितों के उपचार हेतु एक टेस्ट शिविर भी रखा था। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा। आज का जो कैंप हम कर रहे हैं, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के सहायतार्थ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज भारत का माना हुआ कैंसर हॉस्पिटल है। आज इसको कह सकते हैं नंबर वन कैंसर हॉस्पिटल है, जहाँ पे खास करके चैरिटेबल एक्टिविटी जो हो रही है, गरीब लोगों की जो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में या मुफ्त में भी इलाज वहाँ पे कैंसर का होता है, तो उसमें ऑल ओवर से पूरे भारतवर्ष से पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई समझो छोटे गांव से कस्बे से जो पेशेंट यहाँ पे आया है इलाज कराने के लिए, उससे अगर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जाओ ब्लड लेके आओ, प्लेटलेट लेके आओ, तो इस अनजान शहर में जहाँ वो बॉम्बे जैसे शहर में पहुँच गया, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। और उसे कहो जाओ ब्लड डोनर लेके आओ, तो वो कहाँ जाएगा। तो मुंबई कर होने के नाते हमारे मुंबई शहर में इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है और इतने पेशेंट इलाज के लिए आ रहे, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि उनकी मदद हम कर सके। और जहाँ भी मदद करने की बात है, तो मुंबई कर कभी पीछे हटते नहीं है, हमेशा मुंबई मदद करने में आगे रहता है। जितना ब्लड कलेक्शन आज की तारीख में पूरे भारत में मुंबई में होता है, इतना ब्लड डोनेशन कहीं नहीं होता है। तो हमारे मुंबई वालों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आज का डोनेशन कैंप हमने टाटा के कैंसर पेशेंट्स के सहायतार्थ रखा है, जिसमें विश्वास एनजीओ ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और इन्होंने उसमें अच्छा साथ दिया। मैं टाटा हॉस्पिटल रेगुलर जाता रहता हूँ प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए, तो वहाँ से माउंट चलते रहता है क्योंकि ब्लड की कितनी वहाँ किल्लत है, कितनी शॉर्टेज है वहाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उन्होंने हमसे एक बार भव्य रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कैंप लगाइए और ब्लड यहाँ पर जमा करके हमको दीजिए। तो हमने मेरे जो सहयोगी हैं उनसे चर्चा की, फिर हमने फाइनल किया कि ये कैंप लगाया जाए सोसाइटी में। तो लोगों का जोश इतना था कि सब बच्चे आप बड़े सब यूथ आगे आकर हमको हेल्प कर रहे हैं, और मैक्सिमम वहाँ डोनर है 80% या 90% यूथ होंगे। उसमें बहुत अच्छा लग रहा है आगे आगे दिखते हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई मोर देन 100 बोतल हम आज जमा कर पाएंगे, और जो टाटा के जो कैंसर पीड़ित हैं, जो कैंसर का इलाज चल रहा है ब्लड कैंसर का, उनको ये खून काम आएगा। कैंसर डिटेक्शन कैंप हमने लगाया था करीब एक महीना पहले, उसमें 182 लोगों का कैंसर टेस्टिंग की थी CPA ने। उसमें से प्रिलिमिनरी चेकअप में 22 आदमी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनको डाउट हो सकते हैं किंतु उनको फर्दर चेकअप की जरूरत है। तो 22 जिनको हमने अलग से भेजा है, उनको अलग से चेकिंग कराने के लिए, किसी प्रोस्टेट की है, किसी ब्रेस्ट की है, तो उनका भगवान नहीं करे कुछ निकले, तो निकल भी गया तो प्रिलिमिनरी स्टेज में होगा वो, तो उनका इलाज हो जाएगा। तो आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को नहीं निकले, और फिर देखेंगे जो होता है इलाज कराएंगे उनका। विश्वास एनजीओ की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, बहुत ही अच्छा उपक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, क्योंकि उनके इससे बहुत से पेशेंट की जान बच जाएगी या जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम रखा है इन्होंने, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूँ। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त सुरेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं कुछ डोनेट कर सकूँ। गिव इट बैक टू द सोसाइटी इज़ द नॉर्म होता है, और हर इंसान को अपनी लाइफ में आगे आने के लिए सोसाइटी को वापस करना चाहिए। तो ये एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए कि मैं कुछ डोनेट कर रहा हूँ। और ऐसा चीज़ ये जो सुरेश बंका जी मेरे दोस्त हैं, उनको इंस्पिरेशन रतन टाटा से मिलती है। ये हमेशा कुछ लंबा करना चाहते हैं, उनका विज़न, मिशन, उनका गोल बहुत ऊँचा है, हमेशा सोसाइटी के लिए देने की तत्परता रखते हैं। तो हम इनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं और हम भी आगे देश में बढ़ रहे हैं। थैंक यू।